बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिना डायरी पेन के मजा नहीं आएगा। सारी चीजें आपको डायरी पेन के साथ बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, एक एक चीज। यस, एक मिनट। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा इस सेशन के अंदर क्या होने वाला है, मैं पहले से बता देता हूँ और शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इस सेशन के अंदर आज हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज जितने भी सहनशाह लोग को जानते हो, जितने भी किंग लोग को जानते हो, जितने भी अच्छे लोग को जानते हो, जितने भी सक्सेसफुल लोग को जानते हो और जितने लोग सक्सेसफुल बनना चाहते थे, मतलब जैसे भी लोगों को आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप जानते हो जो आज सक्सेस के पैमाने पर है, शायद जो आप पाना चाहते हो वो पा चुके हैं। तो जिस सेशन को आज मैं लेने वाला हूँ, मैक्सिमम लोग के जीवन में ये सेशन जरूर आए, और मैं मैक्स टू मैक्स बोलना चाहूंगा, मैक्स टू मैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ हर एक इंसान की लाइफ में ये सेशन जरूर आता है जिस सेशन के बारे में मैं बताने आया, जिसको बोलते हैं बेसिक ट्रेनिंग सेशन। बेसिक ट्रेनिंग का मतलब जहां पर आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आखिरकार करना क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग को केवल एक ही चीज पता है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों को जोड़ना होता है। माय डियर फ्रेंड, केवल जोड़ने का काम यहाँ पर नहीं है, बहुत सारे लोग को एक ही चीज पता होती, जैसे कि मैंने भी शुरुआत किया था जब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, तो मुझे भी एक ही चीज पता थी कि डायरेक्ट सेलिंग में केवल जोड़ने का काम है। बट माय डियर फ्रेंड, यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में केवल जोड़ने का काम नहीं होता है, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे काम होते हैं। आज आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या क्या और कैसे कैसे करना पड़ता है, राइट? तो आप सभी लोग तैयार हो जाओ सीखने के लिए। और सबसे पहले, मेरे बारे में सारे लोग जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आज अपने बारे में बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग को हाँ ये जरूर पता होगा कि हर सेशन के अंदर मैं बताता हूँ मैंने कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करी, कब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करी। तो जरूर मैं बताना चाहूंगा मेरी डायरेक्ट सेलिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, नाम मेरा आप लोग को पता ही है, मेरा नाम रोहित यादव है और मैंने अपना बीटेक कंप्लीट गाजियाबाद से किया है, जैसे कि आपको पता ही है। पिछले 7 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ। पहली बार मेरी लाइफ में ये आया था 16 जनवरी 2014 को। 16 जनवरी 2014 में मेरे घर एक दोस्त आया जिसने बोला कि अगर तुम इस सिस्टम में आ जाते हो और जान लेते हो सिस्टम को, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ, 16 जैन को एक दोस्त आया था मेरे पास जो मेरे को बोला कि अगर तुम इस सिस्टम के अंदर आ गए तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उस टाइम में भरोसा नहीं था, चीजें कुछ क्लियर नहीं थी। उसने मुझे प्लान समझाया, ज्वाइनिंग का अमाउंट लगभग 10,000 रुपए था कि 10,000 रुपए में ज्वाइन हो जाओगे। अब 12वीं क्लास के लड़के के पास 10,000 रुपए कहां से आए, सबसे बड़ी बिग इशू। अब यहाँ पर जो लोग कनेक्ट होंगे, लोगों ने रुपए कहाँ कहाँ से अरेंज किया होगा उन्हीं को पता होगा, वो बहुत सारे लोग के पास होगा भी, बहुत सारे लोग के पास नहीं भी होगा। तो मैं एक ऐसा इंसान था जिसके पास कोई पैसा नहीं था और मैं पागलों की तरह घर पे गया था, पापा से बोला बस पापा करना है मेरे को, और मैंने ऑन द स्पॉट ज्वाइन करने का फैसला किया। 16 तारीख को सिस्टम के बारे में मेरे को बताया गया था और 16 तारीख को ही मैं 2 से 3 हजार रुपए दे चुका था जितना मैं कलेक्शन कर पाया, और 17 जनवरी को मैं इस सिस्टम के अंदर आ गया था। 17 तारीख को मेरा एनरोलमेंट, मेरा रजिस्ट्रेशन, मेरा सारी चीजें हो चुकी थी और मैं सिस्टम को स्टार्ट कर दिया था। मैंने ज्यादा समय नहीं लिया, मैंने एक दिन का टाइम लिया। डाउट्स आए, चीजें आई, बस एक चीज सोचा यार कि अगर करने को कुछ मिल रहा है तो चलो करते हैं, और कुछ नहीं था, बस एक ही चीज सोची थी, अगर करने को कुछ मिल रहा है तो चलो करते हैं, और कोई कोई बात नहीं थी, क्योंकि बहुत बड़े सपने नहीं थे, ना बहुत बड़ा वाय था, ना रीजन था। सोचा यह था कि अगर इस सिस्टम के अंदर आते हैं तो कुछ खर्चे निकल जाएंगे, जो एक स्टूडेंट लाइफ के खर्चे होते हैं 100, 500, 1000 रुपए, वो खर्चे निकालने के लिए ये रोहित यादव इस सिस्टम के अंदर आया था। मुझे नहीं पता था यहां से मेरा ये करियर बनेगा, मुझे नहीं पता था। जब मैं इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था, मेरे माइंड में ये नहीं था कि इस इंडस्ट्री को मैं लाइफ टाइम करूंगा, मेरे माइंड में ये बिल्कुल नहीं था इस इंडस्ट्री में मैं करियर बनाऊंगा, क्योंकि करियर बनाने के लिए मैं पढ़ाई कर रहा था, जैसे कि बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। कोई 11th में होगा, कोई 12th में होगा, कोई BSc कर रहा होगा, कोई BTech कर रहा होगा, अलग अलग टाइप से लोग अलग अलग काम अपना अपना कर रहे होंगे। मैं भी आप ही की तरह कर रहा था सेम। और जब मैंने इस इंडस्ट्री में मैं आ भी गया था, तब भी मैंने कैरियर के बारे में कुछ नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ से कुछ कैरियर भी बन सकता है। मुझे क्या लगता था, यहाँ पे बस जोड़ना है, पैसा कमाना है, जोड़ते रहो, पैसे कमाते रहो, बात खत्म। बट आज आपको बहुत सारी बातें वो पता चलेगी जो बातें मेरे को पता चली, जिस वजह से इस सिस्टम को एज अ करियर लेके मैं चल रहा हूँ। मेरा बीटेक कंप्लीट हो गया, पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, 10th 12th बहुत अच्छा किया, हर चीज हमेशा ठीक रही, लेकिन उसके बाद भी इसको मैंने एज अ करियर में क्यों कर रहा हूँ, आज आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी यहाँ से। और आप भी एज अ करियर क्यों इस सिस्टम को लेना चाहिए वो भी आज आपको क्लियर होगा। सबसे पहले, आप जब भी इस सिस्टम को स्टार्ट करते हो, मैं आप जितने लोग भी यहाँ पे कनेक्ट हो सबको फ्रेश मानता हूँ, मतलब सबने नया स्टार्ट किया आज से, आप ये समझ लीजिए सभी ने नया स्टार्ट किया। आज जिस सेशन को मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है आपने कभी सुना भी हो, बट आप इग्नोर करिएगा और ध्यान से सारी बातों को सुनिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां से आप होल्ड होना स्टार्ट होंगे, यहां से आपको विजन दिखना स्टार्ट होगा। एक एक ड्रीम मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा और
सेशन के स्टार्टिंग में ही मैं शेयर करना चाहूंगा, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस चीज को लेकर मैं पूरा पागल हो चुका हूँ। एक सपना आपसे शेयर करने वाला हूं, और आज मैं इस सपने को पूरा करने के लिए, दिन रात एक करने के लिए रेडी हो चुका हूं, जिस ड्रीम को मैंने लिया है। और मैं चाहूंगा जो भी यहाँ पे 53 लोग कनेक्ट हुए हैं, 53 लोग जो यहाँ पर आए हैं, हम सब मिलके एक सपना लेते हैं यार, वन टीम वन ड्रीम का। बेसिक ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आप अपने पेपर पे एक बात लिखिएगा, जो मेरा सपना है हो सकता है आपका भी सपना बने। क्योंकि सपना इसलिए आपका बनेगा क्योंकि हम सब मिलके इसको पूरा करेंगे, और जिस दिन ये पूरा हो गया, पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा रहे होंगे। पूरे हिंदुस्तान में जो एक टीम का नाम आ रहा होगा वो आपकी टीम होगी। पूरे हिंदुस्तान में जहां लीडरशिप की बात आ रही होगी वो आपकी टीम की बात आ रही होगी। एक जो मैंने सपना लिया है, एक जो विजन लिया है, जिस विजन पे आज मैं काम कर रहा हूं, वो विजन है एक साल के अंदर। सुनना ध्यान से, हो सकता है बहुत सारे लोग बोले रोहित सर पागल हो गए, मैं पागल नहीं हूं, 7 साल नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मैं पागलों की तरह बात नहीं करता, मैं बिल्कुल एक्यूरेट बात करता हूं, ऑन पेपर की बात करता हूं। 7 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं, और जो मैंने अब सपना लिया है, बहुत बड़ा सपना लिया, और मुझे पता है कि अगर मैंने ठान लिया, मैंने बहुत सारी चीजें ठानी, वहां से मुझे विजेता हासिल हुआ, वहां से मैं विनर हासिल हुआ, वहां से मेरे को चीजें हासिल हुई। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आज मैं जिस मिशन पे काम कर रहा हूं, अगर आप भी मेरा साथ दिए, तो आज से 1 साल बाद, मैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने की बात नहीं कर रहा, आज से 1 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम बहुत बड़ा काम कर चुके होंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले अपना नाम आ रहा होगा और हमारे ग्रुप का नाम आ रहा होगा। जो काम मैं करने वाला हूं 1 साल का, ट्रेनिंग मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ऑन पेपर लिख सकते हो, मैं इतने सारे लोग के सामने रिवील कर रहा हूं इस चीज को, जिसको मैंने ऑन पेपर सब कुछ लेके आ चुका हूं, जिसको बोलते हैं 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों की टीम बनाना। 1 साल के अंदर 1 लाख लोगों की टीम बनाऊंगा, आज मैं उस मिशन और विजन पे काम कर रहा हूं। मेरा कोई टारगेट नहीं है, मेरा कोई सपना नहीं है, अब एक ही सपना है, 1 ईयर 1 लाख की टीम। पहले 3 मंथ के अंदर, मैं देखो कितना आसान आपको बताता हूं, पहले 3 महीने के अंदर आप जितने लोग कनेक्ट हो, हर एक इंसान 1 लाख की टीम बना सकता है। हो सकता है अभी नए लोग होंगे जिनको भरोसा नहीं होगा, जो पागल समझेंगे सर पॉसिबल नहीं है, मैं आपको बोलता हूं हर एक चीज पॉसिबल है, अगर दिल में ठान लो, अंदर लेके आ जाओ तो। अब ये 1 साल में 1 लाख की टीम कैसे बनेगी, आप अपनी अपलाइन से पूछेगा, क्योंकि हमने सारे कोर से डिस्कस किया है, मैं अभी यहां नहीं बताने वाला, मेरा प्रॉपर प्लान है। अगर आपने प्रॉपर प्लान जान लिया तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सर गारंटेड आप 1 लाख की टीम बना दोगे, और पूरे हिंदुस्तान पे हमारी टीम का झंडा लहरा रहा होगा। अब ये कैसे होगा, इस चीज को लेके आज पहली ट्रेनिंग मीटिंग मैंने स्टार्ट किया है, धनवंतरी के अंदर पहला ट्रेनिंग सेशन मैं ले रहा हूं, जहां पे बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। आज आपको सीखने का जो मौका मिल रहा है वो बेसिक सीखने का मौका मिल रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आपको बड़ा करना है, जितने लोगों ने भी यहां स्टार्ट किया है, अभी केवल पैसे के पीछे मत भागना डियर, क्योंकि अभी आप सिस्टम को सीखना आपको पड़ेगा, और सिस्टम को सीखने में वक्त लगता है। मेरे को इस सिस्टम को सीखने में पता कितना टाइम लगा, 1 साल का समय लग गया था, 1 ईयर। पहले 1 साल के अंदर मैंने बहुत बड़ा पैसा नहीं कमाया, हो सकता है मैं आप कमाओगे, मुझे पता है क्यों कमाओगे, क्योंकि आज जो मेरे साथ लोग चल रहे थे वो बहुत एक्सपीरियंस लोग नहीं थे। आपके साथ जो लोग है, जो टीम है, वो एक्सपीरियंस टीम है, शायद आपको आगे निकल जाएगी, उनके एक्सपीरियंस से आप आगे निकल जाओगे। तो आज के सेशन स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं आपको एक बार बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा अपना मेंटल बैरियर को तोड़ के ध्यान से समझेंगे, और जो चीज आप सीखेंगे आप वो अपनी टीम को सिखाएंगे। अगर इस चीज का वादा आप लोग कर रहे हो तो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हो, जो आज आप सीखोगे, जो भी आपका इंसान यहां पर कनेक्ट नहीं है, उसको आपको सिखाने की जिम्मेदारी आज लेनी है। आपका जो भी टीम का इंसान यहां पर कनेक्ट नहीं है, उसको आप सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्लाइड स्टार्ट करता हूं, सिस्टम के अंदर जो सबसे मेन चीज है, सबसे मेन वो मैं आज बताता हूं आपको। जैसे कि आपकी स्लाइड पे आ चुका होगा, और आपको एक चीज दिख रही होगी अपनी स्लाइड पे, जिसमें लिखा होगा वाई। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी को आगे मैं बताता जाऊंगा, अभी आप इस पर दिमाग मत लगाइए, जितना मैं बता रहा हूं उतना समझना है अभी। पहले जब भी सिस्टम की हम शुरुआत करते हैं, मैं कह रहा हूं जिंदगी में कोई भी इंसान अगर कुछ बड़ा करता है तो उसके पीछे एक कारण होता है, रीजन होता है, एक रीजन उसको बड़ा बनाता है, एक रीजन की वजह से वो बहुत बड़ा कर जाता है। अगर इस सिस्टम में भी आपको बड़ा करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप अगर कोई रफ में कर रहा है या फेयर में कर रहा है, तो जैसे जैसे मैं अभी दिखाता जाऊंगा ऐसे ऐसे सेम आपको डायरी का पैटर्न बनाना है।
जो लोग भी यहाँ पे नए कनेक्ट है उनको बता देता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है डायरी। सबसे इंपॉर्टेंट डायरी होता है। डायरी का मतलब क्या है समझ लो, हमें सिस्टम के अंदर आने के बाद डायरी पे ही क्यों काम करना चाहिए। जैसे ये जो भी सारी चीज मैं बता रहा हूं ये आपको एक प्रॉपर डायरी पे लिखना है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई काम स्टार्ट करते हो आप, जैसे सपोज आपके शहर में कोई ना कोई मॉल होगा, जैसे कानपुर में जेड स्क्वायर है, लखनऊ में फिनिक्स है, अलग अलग शहर में अलग अलग मॉल्स होते हैं। आप सोच के देखो अगर जब उस मॉल की तैयारी करी गई होगी, यूं ही तो तैयार नहीं कर दिया होगा कि मॉल की किसी के दिमाग में आया मॉल बनाना है और सामान डालना स्टार्ट करो, रॉ मटेरियल डाला और बनाना स्टार्ट कर दो, तो ऐसे तो मॉल बनाया नहीं गया होगा। मॉल बनाने के लिए सबसे पहले आर्किटेक्चर को हायर किया होगा, जो 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 डिजाइन करेगा, जो डिजाइन करता है, डिजाइन करने के बाद रीअरेंज करने के बाद उस पर काम होना स्टार्ट होता है। कहने का मतलब है एक आर्किटेक्चर भी रफ पेपर पे डिजाइन नहीं करता है, उसका पर्टिकुलर एक पेपर होता है, डिजाइन पेपर होता है, उस पर वो डिजाइन करता है। आपकी जो डायरेक्ट सेलिंग की डिजाइन है, आपकी जो डायरेक्ट सेलिंग की इमारत है, आपकी जो डायरेक्ट सेलिंग का बेस है, वो आपकी डायरी है यार। आपको मैं बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग का, होता है डायरी, जिसकी डायरी बहुत खूबसूरत होती है, जिसका सिस्टम जो अपनी डायरी कहते हैं ना, ये डायरी जो है ना ये हमारा एक इमारत है यार। जैसा आप इसमें डिजाइन करोगे वैसे ही आपका बनता चला जाएगा। तो सबसे पहले डायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे लोग को डायरी परचेस कर लेना चाहिए, और जिसने नहीं करा है वो कर लेगा कल। दूसरी चीज, डायरी में सबसे पहले जो दो पेज होते हैं आप लिख सकते हो उसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन लिखनी है। वो आप अपने अभी इस सेशन को खत्म होने के बाद अरेंजिंग पैटर्न अपने अपलाइन से पूछेंगे। और अगर कोई भी पर्सन डायरी को नहीं बनाता है, मैं पहले से बता दे रहा हूं, अगर कोई भी इंसान इस डायरी को बहुत लाइटली लेता है, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर लाइट आपने लिया तो इस सिस्टम के अंदर बड़ा नहीं कर पाओगे, सीरियसली बोल रहा हूं। कुछ टाइम तक पैसा तो कमा लोगे। जैसे सबसे पहले जो स्टार्ट होता है होता है वाई। वाई का मतलब क्यों, आप इस सिस्टम को कर क्यों रहे हो, आपने स्टार्ट क्यों किया इसको। भाई बहुत सारा काम है, जाके जॉब करो, जाके आर्मी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, एनडीए में जाओ, कोई बिजनेस ओपन करो, आपने इसी को क्यों किया, आपने डायरेक्ट सेलिंग का क्यों स्टार्ट किया, उसके सटीक कारण लिखने पड़ेंगे आपको। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्यों डायरेक्ट सेलिंग के रीजन लिखने हैं। जैसे एक बाइक बिना फ्यूल के, मतलब बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती, वैसे डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम बिना वाई के नहीं चल सकता। अगर आपका वाई नहीं होगा तो आप 2 महीने 3 महीने 4 महीने से ज्यादा के मेहमान नहीं हो, आप डायरेक्ट सेलिंग को क्विट कर दोगे 3 से 4-5 महीने के अंदर, क्योंकि लोग कारण के पीछे भागते हैं, बिना कारण के कुछ चलता नहीं है। सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, हर मीटिंग के अंदर बताता हूं, यहां भी समझाता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा और इस एग्जांपल को लिख सकते हो। आपकी सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यहां पे आपकी मदर है दिल्ली से आ रही है, आपके शहर हो सकता है दिल्ली से कानपुर आपकी मम्मी आ रही है। अब मम्मी के पास ना तो मोबाइल फोन है, ना ही मम्मी के पास कोई ऐसा सिस्टम है, मम्मी जानती भी नहीं है, मम्मी पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है। आपके सपोज मामा जी ने वहां पर ट्रेन में बैठा दिया कि मम्मी S4 कोच में बैठी हुई है और तुम बेटा जाओगे और मम्मी को 11:30 बजे रात में पिक करना है स्टेशन से, और अगर टाइम पे नहीं जा पाए 11:30 पे तो मम्मी भटक जाएंगी क्योंकि मम्मी को कुछ पता नहीं है। अब उसी टाइम पे 11:30 बजे से पहले ही जब तुम घर से निकलने वाले थे तभी आंधी आना स्टार्ट हो गई, तभी बरसात आना स्टार्ट हो गई, तभी भूकंप आना स्टार्ट, भूकंप मतलब कहने का मतलब तूफान आना स्टार्ट हो गया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कितने लोग अपनी मम्मी को लेने जाएंगे, एक बार चैट बॉक्स पे मेरे को बताओ कितने लोग अपनी मम्मी को लेने जाएंगे। मैं चैट बॉक्स ऑन भी कर देता हूं, चैट ऑन होगा। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, सर मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा। क्यों क्यों गए? क्योंकि तुम्हारा क्यों क्लियर था, तुम्हारा रीजन क्लियर था, मम्मी को लेने जाना है। इसके बीच चाहे आंधी आएगी, चाहे तूफान आएगा, चाहे कुछ आ जाएगा, आप रुकने वाले नहीं हो, आप वहां पर बहाने नहीं ढूंढोगे, आप वहां पे सोल्यूशन ढूंढोगे। जब भी इंसान का क्यों स्ट्रांग होता है तो वो सोल्यूशन पे फोकस करता है, वो एक्सक्यूज पे फोकस नहीं करता। हो सकता है आपके टीम के अंदर लोग बहाने दे रहे हो, मैंने भी दिए हैं अपनी अपलाइन को, सर आज सर नहीं काम करने का सर मन नहीं कर रहा है, आज तो सर ये बीमार हो गया है, आज तो सर मेरी दादी एक्सपायर हो गई, आज तो सर मीटिंग में नहीं जा सकता। एक दादी को 4 बार मारा है मैंने, 4 बार एक दादी को, कैसे 4 बार? दादी मर गई सर, अब कैसे आ पाएंगे सर, वहां जाना है, गांव जाना है, मतलब मैंने अजीब अजीब बहाने दिए जब तक मेरा रीजन स्ट्रांग नहीं था सिस्टम को करने का। अगर तुम्हारा रीजन स्ट्रांग नहीं होगा और आपकी टीम का रीजन स्ट्रांग नहीं होगा, वो इंसान हमेशा जो बहाने देता है उसका रीजन नहीं होगा।
आप अगर कोई लीडर यहाँ पे कनेक्ट है तो फाइंड आउट कर सकता है। आप सोच के देखो, मैं अपनी मम्मी को लेने के लिए कोई बहाना नहीं दिया, जबकि आंधी बरसात तूफान सब कुछ आ गया, लेकिन सिस्टम को काम करने के लिए हम अजीब अजीब बहाने देते हैं। वही इंसान बहाने देता है जिसका क्यू स्ट्रांग नहीं होगा। तो आपको इस सिस्टम में कामयाब बनाने के लिए क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना क्यों है। अब हो सकता है आपने भी नया स्टार्ट किया हो, जैसे कि शुरुआत में मैंने स्टार्ट किया तो मेरे अपलाइन ने मेरे से पूछा कि रोहित जी आप क्यों करना चाहते हो, तो मैंने एक ही चीज बोली थी, मुझे रिच बनना है, मुझे अमीर आदमी बनना है। मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन माय डियर फ्रेंड, उसके बाद धीमे धीमे जैसे जैसे मैं काम करता गया, मेरे को अलग 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 रीजन वाई क्यों मिलते चले गए। और उस वायर रीजन की वजह से पिछले 7 साल से इंडस्ट्री के अंदर मेरे को छोड़ने के बहुत चांसेस मिले कि यार छोड़ के ये जॉब पकड़ लो, छोड़ के ये कर लो, छोड़ के वो कर लो, बहुत सारे तरीके मेरे को मिले। बट मैं इस इंडस्ट्री में क्यों टिका रहा, क्योंकि मेरा रीजन बहुत स्ट्रांग था और मैं अपने आप को सटीक तरीके से एनरोल कर चुका था इस सिस्टम के अंदर। अगर आपको बड़ा करना है, अगर आपको अपनी बड़ी इमारत खड़ी करनी है, तो मैं आपको एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, क्यों जरूर बना लीजिएगा इस सिस्टम को, करना क्यों है, और उसके लिए जी जान लगा देना, पागलों की तरह मेहनत कर देना। क्योंकि देखो, कामयाब हर एक इंसान बनना चाहता है, आप भी कामयाब बनना चाहते होंगे, आपकी जो टीम में आए वो लोग भी कामयाब बनना चाहते होंगे, बट कुछ छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से हमें दिक्कतें होती हैं। तो पहला रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, इस इंडस्ट्री के अंदर जब मैं आया था, कुछ रीजन के बारे में जरूर डिस्कस करूंगा, बहुत ध्यान से समझेंगे, शायद आपको कुछ हेल्प मिलेगी। सबसे पहले मेरा इस इंडस्ट्री में आने का एक ही रीजन था कि मुझे एट अ एज ऑफ, जब मेरी उम्र 35 साल हो जाएगी, उसके बाद मुझे कोई काम नहीं करना है। 35 साल के बाद अगर मुझसे कोई पूछे कि बेटा तुम करते क्या हो, मेरे को अगर कोई अंकल जी है या कोई भैया है, कोई मुझे मिल रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हारे स्टेटस पे देखता हूं, कभी तुम अमेरिका में होते हो, कभी तुम इंग्लैंड में होते हो, कभी तुम दुबई में होते हो, कभी तुम सिंगापुर में होते हो, अबे तुम बाहर ही रहते हो, तुम काम क्या करते हो, पैसा कहां से आता है, तो मैं उसको मुस्कुरा के जवाब दूं। वो पूछे भाई डॉक्टर हो, एडवोकेट हो क्या, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तो मैं उसको साफ साफ बहुत आसानी से आंसर दूं और बहुत अच्छी तरीके से उसको बोलूं कि भाई साहब मैं कुछ करता वरता नहीं, ना मैं डॉक्टर हूं, ना मैं इंजीनियर हूं, मैं कुछ नहीं हूं, आई एम, एक तरीके से मैं उसको ये बोलूं सिंपल सा, घूमता फिरता रहता हूं, मस्ती करता रहता हूं और बहुत पहले कई करोड़ रुपए जमा कर चुका हूं और कई करोड़ आता रहता है। कहने का मतलब उसको इतना ही बोला, एज एज ऑफ 35 मुझे फुली रिटायरमेंट चाहिए, मस्ती करना है, घूमना फिरना है। अब मुझे कैसे पता है कि 35 साल के अंदर, अब सोच के देखो अभी मेरी उम्र 24 है, 24 है, 11 साल के अंदर कितना बड़ा नेटवर्क बन जाएगा, बहुत बड़ा नेटवर्क, नेटवर्क से पैसा आता है, पैसिव इनकम। इसके बाद आगे चीज मैं बताना चाहूंगा। दूसरा मेरा ड्रीम था, मुझे रैट रेस बिल्कुल पसंद नहीं थी, चूहा दौड़ समझते हो, सुबह गए शाम को आए, सुबह 8 बजे जॉब पे जा रहे हैं, शाम को 8 बजे वापस आ रहे हैं, बीबी ने वही टिफिन, शादी हो जाएगी तो बीबी टिफिन बना के देगी, उसी में कभी भिंडी चेंज होगी तो कभी आलू चेंज होगा, बस सब्जियां चेंज होंगी, बाकी कुछ सिस्टम चेंज नहीं होगा, उसी लैपटॉप को लेके बैठे रहोगे, एसी टू पीसी, एसी ऑन हो जाएगी अगर अच्छा ऑफिस मिल गया तो, और पीसी ऑन हो जाएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा आपका। कहने का मतलब मुझे चूहा दौड़ जीना बिल्कुल पसंद नहीं था, लाइफ जीनी थी तो कायदे की लाइफ जीनी थी, अच्छी जिंदगी जीनी थी, मैं नहीं चाहता था कि मैं बंधा हुआ रहूं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताना चाहूंगा, स्टोरी का एक तरीके से ही किस्सा टाइप का, जोक टाइप का है। एक भाई साहब से पूछा गया कि तुम्हारा लड़का कितना बड़ा है, तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है, तो भाई साहब बोल रहे हमारा बच्चा इतना बड़ा है, कितना, इतना बड़ा है। अब उससे पूछा गया 6 महीने बाद किसी और दूसरे भाई साहब ने पूछा तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया, तो कह रहे हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया। अब दिक्कत क्या है, वो इतना इतना क्यों बता पा रहे हैं, सुबह बच्चा सो रहा है, वो भाई साहब चले गए जॉब पे, रात में जब तक वापस आए तब तक बच्चा सो गया, तो हमेशा उन्होंने सोते हुए देखा है, तो इतने से इतना उनको दिख रहा था। कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी इसी तरीके से हो जाती है, लोगों के पास समय ही नहीं होता। और सोचो ऐसी जिंदगी कौन जीना पसंद करेगा कि सुबह से शाम बस ऑफिस बैठना है उसको, कितने लोग चाहते हैं ऐसी जिंदगी, सुबह से शाम बस ऑफिस में बैठना हो, बाकी जिंदगी पूरी मैं आपको क्या बोलूं बेकार हो जाए, क्या ऐसी लाइफ का है। तुम्हारे पास खुद का समय नहीं है, खुद का तुम्हारे पास खुद का टाइम नहीं है, ऑफ बॉस से जाके तुम छुट्टी ले रहे हो। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, मुझे भले इस इंडस्ट्री से कुछ पैसा आया हो ना आया हो, बट मैं बिल्कुल बिल्कुल फ्रीडम, मेरे पास कोई भी बंदिश नहीं है किसी टाइप का, जब से मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, खुद का समय, जब मर्जी जो करना, जब जितने टाइम जगना है सोना, अपना टाइम है, कोई रोक टोक नहीं है और अच्छा खासा पैसा आता है, कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये पता है दिमाग बहुत सही था, सही टाइम पे सही लिया डिसीजन और अपने ऊपर फेथ किया, जिस वजह से आज इतनी सारी चीजें मेरे को मिल पा रही हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अबे रोहित कहां ये सब चक्करों में फंस रहे हो, अभी मौज मस्ती करने की उम्र है, मौज कर ले भाई,
मौज कब करेगा, गर्लफ्रेंड कब बनाएगा गर्लफ्रेंड? हमने मैंने बोला मैं 24 के बाद बनाऊंगा, तुम टेंशन मत ले, बहुत गर्लफ्रेंड बनेगी, तुम अभी बना लो। कहते ना 4 साल मस्ती कर लो या 40 साल, मतलब 40 साल मेहनत कर लो या 4 साल मस्ती कर लो, या फिर उल्टा कर लो उसका, या 4 साल मेहनत कर लो या 40 साल मस्ती कर लो, तुम अब पे डिपेंड करता है। मैंने बोला मैं 4-5 साल पहले मेहनत कर लूंगा, फिर मेरे को मस्ती करना है। तो जो काम मेरे दोस्तों ने किया, देखो अंतर उनमें क्या है, आज मेरे सारे दोस्तों से मिलना, अंतर बस यही मिलेगा कि जो काम उन्होंने किया वो मैंने नहीं किया। जब वो जो काम कर रहे थे वो मैंने नहीं किया, मैंने अपने टाइम को खराब ही नहीं होने दिया। दोस्तों ने बहलाया फुसलाया बहुत, कहां चक्कर में रोहित, आओ क्रिकेट खेलते हैं, आओ मौज करते हैं, आओ इधर चलते हैं, आओ उधर चलते हैं, आओ उधर घूमते हैं। मैंने बोला भाई थैंक यू सो मच, जिंदगी बना लेते पहले फिर घूमेंगे खूब। आज लाइफ फ्रीडम है पूरा, आज जहां मर्जी चाहे वहां जब जब बोलो तब आ सकता हूं, जा सकता हूं, घूम सकता हूं, मौज मौज कर सकता हूं, जो मर्जी वो कर सकता हूं, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि पहले जिंदगी को बना लिया। तो एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा, ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ देगी। एक और मेरा सपना था मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लोग बहुत सारे लोग को एक मेरा रीजन था, बहुत सारे लोग अपनी गर्लफ्रेंड को शायद ये डायलॉग देते थे, मैंने ये डायलॉग अपनी डायरी के अंदर लिख रखा था और अपने वाई में लिख रखा था। मैंने क्या अपने वाई में लिखा था कि जो भी चीज होता नहीं, कि बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड को बोलते जो तू बोल दे मुस्कुरा के, कसम खुदा की, कसम बनाने वाले की, उसको तुरंत खरीद डालूंगा। पर ये मैंने अपनी मम्मी पापा को डायलॉग दिया है कि सपोज मैं अपनी मम्मी या पापा के साथ कहीं घूमने गया या कुछ खरीदने गया, मेरी मम्मी को हो सकता है कोई सोफा पसंद आ गया, कोई बेड पसंद आ गया, मम्मी ने बोला ये अच्छा लग रहा है, तो वहां पे ये ना बोलूं कि मम्मी नेक्स्ट मंथ, अभी थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, पैसे का थोड़ा बजट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट मंथ ना बोलना पड़े। मम्मी से बोलूं मम्मी, मतलब मैं डायलॉग ये मैं मम्मी को देता था कि मेरी मम्मी या पापा जिस चीज पे मुस्कुरा के नजर डाल देंगे, कसम बनाने वाली की, उसको तुरंत खरीद डालूंगा, मतलब उसको पैक कराऊं और घर भेज दूं, मम्मी से बोलूं मम्मी तुम्हें पसंद आया था, वो घर पे पहुंच गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसीलिए पता है जिस एज में लोग मौज मस्ती करते थे उस एज में मैंने मेहनत किया है, उस एज में मौज मस्ती ना करके, लेकिन वो मेहनत भी पता है मौज मस्ती की तरह ही थी। अरे जो मेहनत आपको कॉलेज लाइफ के अंदर कार दिला दे, इसको कौन मेहनत बोलेगा, मस्ती बोलेगा? मेरी जैसी मस्ती तो किसी ने करी ही नहीं होगी, पढ़ाई करते करते जितना मौज मैंने कराया उतना मौज शायद ही किसी ने किया हो। उसके बाद मैं आपको बताऊं, ऐसे मेरे बहुत सारे कारण थे, बहुत रीजन थे इस सिस्टम को करने के लिए, और आज भी मेरे पास रीजन है। मैंने पहला रीजन आपको बता दिया, अब नेक्स्ट 1 साल का टारगेट है 1 लाख लोगों की टीम, और इसको हिट करके रहेगा ये रोहित यादव, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। नेक्स्ट 1 ईयर 1 लाख प्लस टीम। पहला पेज आपका वाई होगा। अब मेरी बात है जितनी समझ में आई हो अच्छी बात है, इसको जरूर नोट डाउन करिएगा, जिस रीजन की वजह से आप काम कर रहे हो आपको तरक्की दिलाएगा। इसके आगे मैं बताना चाहूं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, अपनी डायरी में लिख लीजिए, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स। यस, आपको अपनी स्लाइड पे दिख रहा होगा, इसको आप जूम भी कर सकते हो, अपनी स्लाइड पे जाके इसको जूम करोगे तो आपको सही से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसको जूम भी कर सकते हो अगर आपको दिख ना रहा हो, जहां पे प्रिंसिपल लिखा है। पहला पॉइंट प्रिंसिपल का है ब्लाइंडली फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। अपनी जो जस्ट अपलाइन है उसको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। एक्टिव बोला है, अगर वो काम नहीं करता तो थोड़ी ना फॉलो करना है, अगर वो काम करता है, आपको लगता है ये इंडस्ट्री में बड़ा सीरियस पर्सन है, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो आंख बंद करके। सफलता का सबसे बड़ा मंत्र आपको बता रहा हूं, आपकी जस्ट अपलाइन पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, बिलीव करना स्टार्ट करो। जो आपकी अपलाइन है, जो बोले जैसा बोले उसको कर दो। मेरे से एक सवाल पूछा जाता था, देखो मैं आपको बताऊं किस लेवल का ट्रस्ट करना चाहिए अपनी अपलाइन पे। सपोज आपकी अपलाइन बोले कि बेटा जाओ कुएं में कूद जाओ, कितने लोग कूदेंगे बताओ चैट बॉक्स पे एक बार, कितने लोग कुएं में कूदोगे? मैं आपको बोल रहा हूं कुएं में कूद जाओ, जाके जाओ, कितने लोग कुएं में कूदेंगे? मेरे पास बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, सर मैं कूद जाऊंगा। अरे कोई तो बोलो मैं नहीं, कोई बोल रहा मैं कूद जाऊंगा सर मैं कूद जाऊंगा। अरे भैया एक तो मना करो। मैं आपको बताऊं अगर मेरी अपलाइन भी मेरे से बोला कि जाओ रोहित जी कुएं में कूद जाओ, मैं जाके तुरंत जंप कर जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने कुएं में कूदने के लिए बोला होगा तो उसमें भी हीरे जवाहरात मोती होंगे, इसीलिए मेरे को बोला रोहित जी जाओ बटोर लो जाके, क्योंकि मेरी अपलाइन कभी भी मेरा बुरा नहीं चाह सकती। आप कितना भी अपना दिमाग लगा लो, आपकी जस्ट अपलाइन आपका बुरा कभी भी नहीं चाहेगी। तो अपनी एक्टिव अपलाइन पर भरोसा करना स्टार्ट करो। दूसरा, इफ यू थिंक योर एक्टिव अपलाइन इज रॉन्ग देन सी रूल नंबर फर्स्ट। अगर आपको लगता है कि आपके अपलाइन रॉन्ग है तो रूल नंबर फर्स्ट देखना स्टार्ट कर दो, नहीं डियर ब्लाइंडली फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। तीसरा पॉइंट, दोज थिंग्स विच सीम्स टू बी फॉर्मेलिटी देन डू देम फर्स्ट। जो भी काम आपको डायरेक्ट सेलिंग का फॉर्मेलिटी नजर आए, डायरी बनाना फॉर्मेलिटी है, वाय लिखना फॉर्मेलिटी है, ड्रीम बनाना फॉर्मेलिटी है, कॉन्टेक्ट लिस्ट फॉर्मेलिटी है, मैं आपको बोल रहा हूं इसको पहले करना, नहीं तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी।
तरक्की नहीं मिलेगी। और इन सारे काम को करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 95% लोग डायरी नहीं बनाते हैं, मैं आपको सच्चा और कड़वा सच बता रहा हूं। 95% लोग डायरी नहीं मेकिंग करते हैं, और इस दुनिया में आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग में भी 5% लोग ही कामयाब बनते हैं, 95% लोग फेल हो जाते हैं। 95% लोग फेल होते हैं, 5% लोग कामयाब बनते हैं। ये 5% लोग वही लोग हैं जो डायरी बनाते हैं, तो इसलिए डायरी जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नेवर एवर प्रीजज। आपको किसी भी इंसान को जज नहीं करना है कि ये ज्वाइन करेगा ये ज्वाइन नहीं करेगा। आपका काम है, आप अपॉर्चुनिटी को लोगों को बता रहे हो। सोच कर देखो, इस रोहित यादव का नाम तो किसी ना किसी की लिस्ट में होगा जिसने मुझे प्लान किया। अगर सोचो मुझे प्रेजेंटेशन नहीं दिया होता तो उसको ये लीडर मिलता कभी लाइफ में? भाई मुझे थोड़ी ना पता था मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए बनाऊं, बट मेरे को किसी ने प्लान किया तब जाके मुझे समझ में आया मैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए बनाऊं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, आप किसी को छोड़िएगा नहीं, हर एक इंसान को आपको प्लान देने की जरूरत है। इसमें इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी सुनाना चाहूंगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा, और सभी लोग को आप अपनी टीम को जरूर बताएंगे किसी को प्रीजज क्यों नहीं करना है। एक बार क्या होता है, दो लड़कियां होती हैं, दो डॉक्टर होते हैं, वो दोनों आपस में झगड़ रहे होते हैं। एक डॉक्टर बोलता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, एक डॉक्टर बोलता है नहीं मैं बहुत अच्छा हूं। दोनों के आपस में झगड़ा हो रहा होता है, तभी सामने से, और दोनों जो डॉक्टर होते हैं वो क्या होता नहीं है, क्या नाम है आपका, बोन स्पेशलिस्ट, ठीक है। अब आगे से एक लड़की आती है, वो लड़की क्या बोलती है, लड़की आती है तो लड़की उसको लड़खड़ाते हुए नजर आती है, तो दोनों डॉक्टर खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा बताओ, शर्त लगी, देखते हैं कौन डॉक्टर अच्छा है। अच्छा बताओ इस लड़की को प्रॉब्लम क्या है, जो सही बता देगा वही डॉक्टर अच्छा है। अब पहले डॉक्टर को चांस मिला, पहले डॉक्टर से बोला बताओ इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है, तो उसने बोला कि अच्छा इस लड़की को शायद इसके एंकल में प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी, उसने पूरी डॉक्टरी झाड़ दी। अब दूसरे डॉक्टर को चांस मिला कि बताओ इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है, तो बोला ये लड़की जन्म से ही लड़की होगी, लड़खड़ा रही थी तो बोली जन्म से ही ऐसी होगी इसलिए इसको दिक्कत है। अब पास में वो बहन जी आती है, डॉक्टर के पास आते ही डॉक्टर जी वापस से बस हाथ जोड़ के बोलते बहन जी बिल्कुल सच बताना कि आपको दिक्कत क्या है, दोनों में आपस में बहुत बड़ी शर्त लगी हुई है। तो बहन जी उनको मुस्कुरा के जवाब देती, शायद इससे बहुत कुछ आपको क्लियर होगा, कि डॉक्टर साहब घर से निकली थी बहुत अच्छी तरीके से, रास्ते में हमारी सैंडल टूट गई जिस वजह से मैं लड़खड़ा रही थी। वो लड़की सैंडल टूटने की वजह से लड़खड़ा रही थी और डॉक्टर आपस में भिड़े पड़े थे कि इसके एंकल में प्रॉब्लम है, कोई बोल रहा है इसे जन्म से ही लगड़ी है, उसको जन्म से ही लगड़ा घोषित कर दिया, जबकि उसकी प्रॉब्लम क्या थी, सैंडल टूट गई थी बेचारी की। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। प्रीजज, आप हम भगवान थोड़ी ना यार किसी को प्रीजज करें, अरे यार ये अमीर है तो ये ज्वाइन कर लेगा, ये गरीब है तो ये नहीं कर पाएगा, ये तो कर ही नहीं पाएगा, ये तो करेगा इसलिए नहीं, इसके पास पहले से ही पैसा है। मैं आपको बोलूं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस का प्लान मैं आज की डेट पे उसको भी दिखा दूंगा जिसके पास बीएमडब्ल्यू जैगवार ऑडी कुछ भी है, और उसको भी प्लान दिखाऊंगा जो झोपड़पट्टी में रह रहा है, और हमने किया भी है ऐसा, और लोग ज्वाइन भी करते हैं, क्योंकि तुम्हें क्या पता कि उसकी बीएमडब्ल्यू की ईएमआई जा पा रही कि नहीं जा पा रही, वो तो कोई सिस्टम सर्च कर रहा है कि उसको कुछ मिले जिससे उसकी ईएमआई जा पाए, बट हमने प्लान नहीं उसको किया। तो नेवर एवर प्रीजज, आप अपनी लिस्ट में नाम लिखो, लोगों को प्रेजेंटेशन दो, आप अपॉर्चुनिटी बताने का काम करते हो। बहुत सारे लोग का एक माइंड सेटअप खराब है, ध्यान से समझना, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं सिस्टम के अंदर कि भाई साहब मैं जा रहा हूं किसी से 1,000, 2,000, 4,000 रुपए लेने। माय डियर फ्रेंड, आप किसी से लेने नहीं जाते, आप उसको 32 लाख से ज्यादा का प्लान देने जाते हो। देने वाला बड़ा होता है लेने वाले कंपैरिजन में, बड़ा कौन होता है, देने वाला। तुम उसको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उसके पास तो 1 रुपया कमाने का साधन नहीं है, आप उसे 32 लाख कमाने का साधन दे रहे हो, आप उसे एक सिस्टम दे रहे हो, तो तुम बड़े हुए ना कि वो। लेकिन फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास एटीट्यूड नहीं, हम गिड़गिड़ाते हैं उसके सामने, भाई ज्वाइन कर ले। मैं आपको तरीका सिखाऊंगा इस ट्रेनिंग सेशन को, लंबे और कंटिन्यूस रहेगा ये 9 बजे का सेशन, किसी दिन प्रेजेंटेशन रहेगा किसी दिन ट्रेनिंग रहेगा, और मैं आपको बता रहा हूं 1 महीने के अंदर बहुत दमदार लीडर निकल के यहां से बाहर निकलेंगे बहुत सारे लोग। मैं आपको एक देखो कहते ना, एक दिन में सबको समझाना इम्पॉसिबल है, लेकिन जो कुछ भी मिल रहा है उसको बहुत अच्छे से ग्रैब करना है, राइट। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट चीज आपके सामने आ रही है जिसको बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम लिख सकते हो आप अपनी डायरी के ऊपर, सभी लोग नोट डाउन करिए, और जो भी सिस्टम अगर किसी को दिख नहीं रहा तो इसको आप जूम कर सकते हो, जूम कर लीजिएगा अपनी स्क्रीन पे, जूम करेंगे ये बढ़ जाएगा। तो यहां पे सबसे पहले सिस्टम के अंदर लिखा है बी अ 100% यूजर, बी अ 100% यूजर, आपको 100% प्रोडक्ट यूजर, इसमें बीच में लिख लेना बी अ 100% प्रोडक्ट यूजर, अटेंड ऑल मीटिंग एंड कन्वेंशंस, रीड बुक्स, डू रेगुलर एक्टिविटीज, इनविटेशन, प्रेजेंटेशंस, फॉलो अप एंड ट्रेनिंग, कॉन्टेक्ट योर एक्टिव अपलाइन एंड डाउनलाइन डेली बेसिस।
और लास्ट में एक छठा पॉइंट लिखिए, सिलेक्ट अ मेंटोर, सिलेक्ट अ मेंटोर। पहला पॉइंट जो लिखा हुआ मैं अच्छे से बता देता हूं, बी अ प्रोडक्ट 100% यूजर। आप जो काम कर रहे हो अगर आप अपने प्रोडक्ट के खुद यूजर नहीं बनोगे तो लोगों को क्या बता पाओगे। सबसे पहले हमें अपने प्रोडक्ट का यूजर बनना है, राइट। सेकंड पॉइंट है अटेंड ऑल मीटिंग एंड कन्वेंशंस। कोई भी मीटिंग डायरेक्ट सेलिंग की अगर हो रही है आपको उसमें पहुंचना कंपलसरी है। अगर आप नहीं पहुंचते तो आपका नुकसान है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, 7 साल के इतिहास में, मैं 7 ईयर से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं, 7 साल के अंदर बस एक बार ऐसा हुआ है जो बहुत इमरजेंसी केस था जिसमें मैं मीटिंग में नहीं पहुंचा। तब से लेके अब तक लगातार हर मीटिंग के अंदर, चाहे कितनी बड़ी भी सिचुएशन आई हो, बस एक मीटिंग मेरे से छूटी, उसके बाद कोई नहीं छूटाया, और वो भी शुरुआत के टाइम में थी। अगर डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा करना चाहते हो, चाहे आपका गेस्ट जाए, बहुत सारे लोग वेन्यू मीटिंग्स होती हैं, गेस्ट नहीं होते हैं तो बोलते हैं यार मैं क्या करूंगा जाके, आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो हर कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग मत छोड़ना, कोई भी मीटिंग्स मत छोड़ना, और कोई भी बड़ा से बड़ा कन्वेंशन हो रहा है उसको छोड़ना नहीं। तीसरा पॉइंट है रीड मोटिवेशनल बुक्स। कुछ बुक्स के नाम बता रहा हूं, इसको जरूर रीड करना है, क्योंकि देखो बहुत सारी किताबें आपने पढ़ी उससे कुछ नहीं हुआ। खूब 12th का पढ़ा होगा, खूब 10th का पढ़ा होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 6-7 किताबें भी पढ़ ली ना आपने, आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो पहली बुक हर एक इंसान को डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पढ़ने की जरूरत होती है, नेटवर्क मार्केटिंग कितना सच कितना झूठ, भाई उज्ज्वल पाटनी जी की बुक है। सवाल ही जवाब आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्कूल पढ़ सकते हो, रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हो, और एक बुक जोड़ो जोड़ो जीतो आती है उसको पढ़ सकते हो। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सब लोग को पढ़ना जरूर जरूर चाहिए इनको। फोर्थ पॉइंट है डू रेगुलर एक्टिविटीज इनविटेशन। ये जो एक्टिविटीज होती हैं, 4 एक्टिविटी हमारी डेली होती हैं, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप एंड ट्रेनिंग। आपको इन 4 एक्टिविटी में डेली रहना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन 4 चीजें आप डेली करना है। इनवाइट लोगों को, प्रेजेंटेशन लोगों को, फॉलो अप करना है जाके जिनको आपने पहले से प्लान दिया है, एंड ट्रेनिंग देना है। शुरुआत में रिजल्ट्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं टेंशन मत लिया करो, अभी आपका सीखने का समय है। जो नए लोग यहाँ पे कनेक्ट है उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको बहुत ज्ञान देने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट सेलिंग का आपको खुद अभी एक्सपीरियंस नहीं। कोई बोलेगा अरे भैया कहाँ तुम ये सब मामले में फंस गए, अरे भैया ये सब क्या होता है, अरे मैं कह रहा हूँ ये सब कुछ नहीं होता तो फिर मेरे पास एक्सयूवी कहां से आती। इतने सारे लोग कामयाब कहां से बनते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, बड़े बड़े लोग निकले हैं डायरेक्ट सेलिंग से, ये कहां से बन गए। सब होता है, बट आपके पास नॉलेज की कमी होती है, इसलिए आप किसी की चीज ना सुनते हुए अभी शुरुआत में आप बस काम करो, क्योंकि काम करने जाओगे तो अलग अलग टाइप के लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते, इनको आप हटा नहीं सकते, ये मिलेंगे, इनसे सीखने का मौका है, सीख कैसे सकते हो वो आपको काम करना है। तो डेली इन एक्टिविटीज में रहना है, कॉन्टेक्ट योर एक्टिव अपलाइन। अच्छा कितने लोग एक बार मेरे को चैट बॉक्स बताओ जो अपनी अपलाइन से डेली कांटेक्ट करते हैं, बताओ एक बार मेरे को कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी अपलाइन से डेली कांटेक्ट करते हैं, डेली। बहुत सारे लोग हैं जो डेली करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि वो लोग डेली नहीं करते होंगे, राइट। सबसे पहला चीज आज कसम खा लो, आप सारे लोग अपनी अपलाइन को डेली कांटेक्ट करोगे, आपकी सक्सेस का पैमाना बढ़ता चला जाएगा, आपकी सक्सेस तेजी से खींचेगी। और जो नहीं करते हैं आज से कसम खाएं जरूर करेंगे, और जो भी आपकी टीम में उनको आपको कॉल करना अनिवार्य है, आप जरूर कॉल करोगे उनको। अगर उनकी कॉल नहीं आती तो आपका फर्ज बनता है आप कॉल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद लिखिए हेडिंग ड्रीम्स। ड्रीम्स, ड्रीम्स शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, SMART। S for specific, M for measurable, A for achievable, इसको आप and R realistic, T time bound। आप कोई भी सपना लिखना है अपना डायरी के ऊपर तो इन फॉर्मेट में लिखना है। आगे बढ़ता हूं, सबसे पहले जो ड्रीम आता है आप अपनी डायरी पे लिखिए, यहां पे रीअरेंज थोड़ा गड़बड़ है। पहला आता है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स, 0 से 6 मंथ के अंदर जो आपको लिखना है शॉर्ट टर्म ड्रीम्स। उसके बाद आता है मिड टर्म ड्रीम्स। मिड टर्म ड्रीम्स होता है जो आपको 6 मंथ से लेकर 2.5 साल के अंदर लिखना है। उसके बाद आता है
आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म ड्रीम्स जो आपका सिक्स ढाई साल से लेके पांच साल तक आपको लिखना होता है। पहला शॉर्ट टर्म ड्रीम लिख लो ध्यान से, दूसरा मिड टर्म ड्रीम लिख लो ध्यान से, शॉर्ट मिड एंड लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। शॉर्ट टर्म ड्रीम में जो लिखना है वो जीरो से सिक्स मंथ के अंदर क्या क्या खरीदना है आपको, मिड टर्म ड्रीम्स छह महीने से लेकर ढाई साल तक क्या क्या लेना है, और आखिरी जो आपका है लॉन्ग टर्म ड्रीम्स जिसमें ढाई साल से लेकर पांच साल तक क्या लेना है। आखिरी तक हर एक इंसान को आज अभी कोई भी, बहुत सारे लोग डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, मैं हो सकता है उनका नेटवर्क की वजह से हो रहा हो, तो कोई भी डिस्कनेक्ट मत करे और ध्यान रखे कि नेटवर्क एरिया में रहे आप। आखिरी में आपको बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो यहां पे क्या है, आप अपनी स्क्रीन को जूम करके सारी चीजें देख सकते हो। अब कैसे सपना लिखना है वो समझ लो। सपोज मेरा ड्रीम है मुझे आईफोन लेना है 11, मेरा ड्रीम है आईफोन लेने का, होता है बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है आईफोन लेने का। अब आईफोन में आपको लेना कौन सा है, सपोज मेरे को 12 लेना है, तो मैंने क्या ड्रीम लिखा आईफोन 12, कितने रुपए का आता है, एग्जाम्पल 1,20,000 का आता है, तो मैंने लिखा 1,20,000 रुपए मुझे लेना है, कब लेना है डेट लिखनी है, और कम से कम चाहे आपके पास पैसा हो चाहे ना हो आप आईफोन के स्टोर पे जाके विजिट करके आओ, उसका ब्राउजर लेके आओ और जहां पर आप सोते हो उसको चपका लो और उसके नीचे डेट लिख लो। मेरी बात बहुत ध्यान समझ लेना, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो बिल्कुल डन, आपका ड्रीम पूरा होना ही होना है, सपना 101% पूरा होगा। सिंपल मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको वो सारी चीजें बता रहा हूं जो आपका 101% अगर आपने इस चीज को फॉलो किया आपका ड्रीम जरूर पूरा होगा। नंबर वन, सपोज आपका सपना आपने लिया आईफोन का, उस आईफोन का क्या लिखना है, कितने का है, कौन सा कलर लेना है, उसको विजुलाइज करके आओ, उसकी डेट लिखो और आप उस ब्राउजर को वहां चिपका लो जहां पे आप सोते हो और डेली उसको देखना स्टार्ट करो। डेली उस सपने को देखोगे, आपका सपना जरूर पूरा हो जाएगा। और एक बात जरूर याद रखना, विजुलाइज करने के बाद उस सपने को आपके पास दम होनी चाहिए लोगों को बताने की। सपना पूरा कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। पहले सपना पूरा तब हो जाता है जब सपने को आप लिखते हो, 25% ड्रीम पूरा हो जाता है, 25% सपना तब पूरा हो जाता है जब उसको देखना स्टार्ट करते हो, और 25% सपना पूरा तब हो जाता है जब लोगों को आप बताना स्टार्ट करते हो, और 25% आपका प्रोसेसिंग लगता है। 75% सपना आपके हाथ में होता है पूरा करना, 75% ड्रीम आप पहले ही पूरा कर लेते हो बिना पैसे के, जो 25 आखिरी बचता है वो तो बस खरीदने जाना होता है। 25% सपना पूरा होता है लिखने से, 25% सपना पूरा होता है देखने से, 25% सपना पूरा होता है आपको लोगों को बताने से, और 25% सपना में प्रोसेसिंग लगता है, बस बाकी बात खत्म, आपका ड्रीम पूरा। मैंने बहुत सारे सपनों की धज्जियां उड़ाई है, मैंने जब भी कोई ड्रीम लिखा उसको कट ही किया है, हमेशा पूरा वो सपने को किया है, चाहे कैसे भी किया हो। आगे बढ़ता हूं, उसके बाद आपको लिखनी है फियर लिस्ट। जैसे बहुत सारे लोग को डर लगता होगा स्टेज से, बहुत सारे लोग को डर लगता होगा। अब फियर लिस्ट के अंदर एक लोग थे, मैं आपको एक बताना चाहूंगा, एक बार एक मेरे एसोसिएट थे, तो मैंने उनको बोला फियर लिस्ट बना लाना, तो पता है वो फियर लिस्ट में क्या बना के लाए, कि सर मुझे गर्लफ्रेंड से बहुत डर लगता है। तो फियर लिस्ट बनानी है, आपको किस किस से डर लगता है, गर्लफ्रेंड से लगता है, मम्मी से लगता है, मौसा से लगता है, वो नहीं लिखना है आपको। फियर लिस्ट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर किस चीज से डर लगता है वो लिखना है पहले से। अब मैं हर मीटिंग में बता देता हूं, ये तो पता चले कि गर्लफ्रेंड के गुणगान लिख के चले आए उसमें, अरे सर मुझे ऐसे इसलिए बड़ा डर लगता है सर। आगे बढ़ता हूं, फियर लिस्ट के बाद जो आपको लिखना है वो है फ्रेंड लिस्ट। और फ्रेंड का फुल फॉर्म लिखा होगा एक तरफ, आप देख सकते हो स्क्रीन को, फ्रेंड का एक फुल फॉर्म लिखा होगा FRIENDS, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टीट्यूशन, एम्प्लॉय, नेवर्स, जो आपके पड़ोस में रहते हैं, डॉक्टर्स, स्ट्रेंजर्स। बहुत सारे लोग सबसे पहले काम करने स्टार्ट करते हैं एस से, स्ट्रेंजर से। आप गलत कर रहे हो डियर, भले आपके फ्रेंड्स ज्वाइन करें या ना करें बट आपका प्लान दिखाना चाहिए। आपके रिलेटिव ज्वाइन करें ना करें आपको प्लान शो करना है। आपके इंस्टीट्यूट वाले ज्वाइन करें ना करें पहले इंस्टीट्यूट वाले को प्लान करना है। अपने जो आसपास पड़ोसी में नौकरी करते हैं उनको प्लान करना है, नेबर्स पड़ोसियों को प्लान करना है, डॉक्टर्स को प्लान दिखाना है, आखिरी में स्ट्रेंजर आता है। लोग क्या करते हैं गलती, स्ट्रेंजर से काम करना स्टार्ट करते हैं, इसीलिए बड़ा काम नहीं बनता उनका, ये सबसे आखिरी होता है स्ट्रेंजर, राइट। फ्रेंड लिस्ट कम से कम आपको 200 लोग की बनानी है, डेली दोस्त बनाओ, डेली फ्रेंड लिस्ट लिखो। अब देखो हो सकता है बहुत लोग बोले कि सर मेरे 200 लोग तो है ही नहीं ना। अगर आपके 200 नहीं है तो इस दुनिया में 200 है कि नहीं है भाई? अगर आप 10 लोग को दोस्त बना सकते हो तो क्या 20 दोस्त नहीं बन सकते? वो 10 क्या किसी और ने बनवाए थे? मतलब मार्केट में जाके हम 10 और बना सकते हैं,
दस और बना सकते हैं हम, 200 बना सकते हैं, 300 बना सकते हैं, क्योंकि करोड़ों की आबादी है। आप कोई भी फ्रेंड बना सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे फ्रेंड लिस्ट खत्म हो गई। सर सर मेरे फ्रेंड खत्म हो गए तो क्या रोलें दो घंटे? बताओ, आओ दोनों लोग आंसू बहा लेते हैं दो मिनट के लिए। अरे भैया मेरे को यह समझ में नहीं आता, कामयाबी तुम्हें चाहिए, सब कुछ तुम्हें करना है, सपने अपने तुम्हें पूरे करने हैं, सर के सामने गा रहे हो सर फ्रेंड लिस्ट खत्म हो गए। अरे भैया जाके मार्केट में काम करो ना, गोलगप्पे खाओ, कोनी मारो, दोस्त बनाओ। मार्केट में चलते हो तो क्या दो लोग नहीं दिखते हैं क्या? मार्केट में लोग ही लोग हैं। सब्जी लेने जाते हो, मम्मी चीनी के लिए भेजते हो, जल लल्ला चीनी लेके आ, तो चाह चीनी लेने जाते हो, अंकल से बात करो, अंकल तुम्हें अपने बिजनेस को बूस्ट करना है, हाँ लल्ला करना है, तो अंकल 1000 रुपए में तुम्हें बूस्ट कर देंगे, बता दो पूरा प्लान। किसी से मिलते हो गोलगप्पे वाले को बोलो और तुम्हें इंक्रीज करना है भैया, उसका भी करवा दो। तो बहुत मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, हम करते नहीं है, दिक्कत ये है, राइट? आगे बढ़ता हूं। सक्सेस, सक्सेस का एक फॉर्मूला होता है, सक्सेस का फॉर्मूला लिख लो। कहते ना हमें केवल सक्सेस दिखती है, लेकिन सक्सेस के पीछे किया गया काम बहुत ही कम लोग को दिखता है। सक्सेस तो बहुत सारे लोग को दिखती है, लेकिन सक्सेस के पीछे किया गया वर्क लोग को दिखाई नहीं देता। सक्सेस का फुल फॉर्म होता है एस सी योर गोल्स, यू अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल, क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, सी होता है क्लियर योर सेल्फ डाउट, ई एम्ब्रेस द चैलेंज, ए स्टे ऑन ट्रैक, एस सो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। ये सक्सेस का फुल फॉर्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में देखते रहिएगा कि क्या होता है। आगे बढ़ता हूं मैं फटाफट। बेसिक वेपन्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए? पहला डायरी, पेन, ड्रेसअप, रैपअप। रैपअप मतलब जो भी आपके पास कलेक्शन हो, जो प्लान बुक हो गया आपके पास, प्लान बुक के साथ डीबीएस का इंसाइक्लोपीडिया हो गया, आपके प्रोडक्ट वाउचर हो गया, ये सब आपके पास होना चाहिए, राइट? तो यहां से डायरी वर्क होता है। एंड एक डायरी वर्क में और चीज मैं बता दे रहा हूं, जिसमें बोलते हैं वर्किंग कंडीशन। एक हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा वर्किंग कंडीशन। एक लोगों ने मेरे को मैसेज दिया, सर मेरे अपलाइन ऐसा आइडिया दिए हैं जिससे कभी फ्रेंड एंड गेस्ट खत्म ही नहीं होंगे, कभी नहीं। अरे यार बिल्कुल नहीं होंगे, हम इंडिया में रहते हैं, हम पाकिस्तान में तो रहते नहीं है। इंडिया में इतनी बड़ी आबादी है यार, लोग ही लोग। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है इंडिया। एचआर का बिजनेस, एचआर की ढेर लगा हुआ है, एचआर ही एचआर, राइट? एक ले लीजिए वर्किंग कंडीशन, जिसमें पहला पॉइंट है एथिक्स एंड कल्चर। हम जो अपना ग्रुप बनाना चाहते हैं, वो एक बेहतरीन ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, पहला चीज है इसमें एथिक्स एंड कल्चर, जिसमें आपको पता होगा कि अपनी अपलाइन को सर लगा के बात करते हैं, और जो भी आपकी टीम में ज्वाइन करते हैं उनके साथ, उनके लिए आप जी लगाते हो लास्ट में, नाम के बाद जी, सर एंड जी आपको यूज करना है, और गुड मॉर्निंग को हमेशा यूज करना है 24 आवर। हो सकता है आपको लोग बोले अरे पागल हो गया क्या ये, मैं जब घर में बोलता था गुड मॉर्निंग रात के टाइम, तो मेरी दीदी बोलती थी अबे गुड मॉर्निंग हो रहा है, ये तो गुड नाइट का टाइम है। हम बोलते दीदी तुम समझ जाओगे तो मामला ही नहीं टाइट हो जाएगा, अरे गेम ही अलग है दीदी, ये गुड मॉर्निंग का मतलब ही अलग है। पापा बोलते थे ये पागल हो चुका है, इसका कुछ नहीं कर सकते, ये रात में भी बताओ कितना लड़के को पढ़ाया, सीबीएसई बोर्ड से एजुकेशन कराई, भाई साहब ने टॉपर भी बन गए, और इनको यही नहीं पता गुड नाइट के टाइम गुड मॉर्निंग के टाइम क्या ये चल रहा है इनका। तो मैं आपको बता दूं, टेंशन मत लो, इस गुड मॉर्निंग का मतलब ये नॉर्मल गुड मॉर्निंग नहीं है, ये गुड मॉर्निंग खास गुड मॉर्निंग है, जो रात के टाइम भी हम बोलते हैं, हमारे पास कभी भी कॉल आता है 24 आवर हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। और अक्सर इस गुड मॉर्निंग ने मेरे को बहुत हेल्प किया है, मैं जब ट्रेन में ट्रेवल करता था, बहुत बार मैंने ट्रेन में काम किया, बहुत बार मैंने पैदल काम किया, ऑटो रिक्शा में काम किया, अलग अलग जाके काम किया, तब मैं जब गुड मॉर्निंग बोलता था तो पड़ोसी चौंक जाता था, अबे इतने टाइम गुड मॉर्निंग, अब वो मुझे टोकता था यार गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग हो रहा है, अरे इस गुड मॉर्निंग का मतलब ही अलग है। वो बोलता क्या मतलब है, चलो नंबर एक्सचेंज कर लो बाद में कभी बताऊंगा, हो गया मेरा फ्रेंड। लोग बोलते हैं फ्रेंड की कमी, हम बोल के फ्रेंड बना लेते हैं दो मिनट के अंदर दोस्त। तो ये गुड मॉर्निंग कोई आम गुड मॉर्निंग नहीं है, ये कोई नॉर्मल गुड मॉर्निंग नहीं है, ये खास गुड मॉर्निंग है, मतलब एक गुड इनिंग, एक दूसरी भगवान आपको इनिंग देता है, मौका देता है। दूसरा इस गुड मॉर्निंग के मतलब अलग अलग मतलब निकल के आते हैं, गुड मोर अर्निंग, गुड मॉर्निंग का मतलब होता है गुड मोर अर्निंग। उसके बाद और भी इसके बहुत मतलब होते हैं, आप ये भी सोच सकते हो भाई सबसे एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग ही होता है, सबसे एनर्जेटिक। और लास्ट में सी में वर्किंग कंडीशन में आप लिखेंगे ड्रेसअप एंड डायरी, पहला एथिक्स एंड कल्चर, ड्रेसअप एंड डायरी, एंड पेन तो आपको यूज करना ही है। और कम से कम मेरे लीडर से एक ही दरखास्त है मेरी, 2 रुपए वाला पेन छोड़ दें,
अगर जब तक 2 रुपए वाले 5 रुपए वाले पेन को यूज करोगे मजा नहीं आएगा यार। 32 लाख का हम प्लान करने जा रहे हैं और पेन लेके जाते हैं 2 रुपए वाला। वो दोस्त भी कहता है यार क्या मजाक कर रहा है यार ये। तो अपने आप को उस काबिल बनाओ यार। ब्रांडिंग की पावर भी होती है कुछ, कम से कम 40 रुपए, मैं कह रहा हूँ बहुत महंगा पेन नहीं, 1,000, 2,000, 10,000 का पेन मत खरीदो, 40-50 रुपए का इफेक्टिव पेन खरीदो। देखते ही पागल हो जाए यार ये कैसे लिख रहा है, गजब का पेन है इसके पास। तो ये कुछ चीजों को ध्यान रखना है जो मैंने आपको बोला। और आज डायरेक्ट सेलिंग का पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि बेसिक ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है, और अगर आपने इन बेसिक चीजों को फॉलो किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तरक्की 101% करोगे, 101% बोल लो। और हो सकता है कुछ चीजें छूट गई हो जो आपको नहीं क्लियर हुई हो, अभी तुरंत इस सेशन के बाद अपने फ्रेंड को कॉल मिलाइएगा, मतलब अपने जो भी जस्ट अप्लाइन हो उनको पेन मिलाइएगा, कॉल मिलाइएगा। इसमें किसी ने लिखा है सर मैं 120 के पेन लिया हूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कौशर खान जी को ही है जो 120 रुपए के पेन से लिखते हैं, शानदार यार। 32 लाख का प्लान कर रहे हो तो 32 रुपए से ज्यादा तो पेन की कीमत होनी ही चाहिए कम से कम। तो मजा आएगा, हम डेली ट्रेनिंग सेशन के अंदर आने वाले हैं। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, एक टाइम जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ वो 9 या 10 बजे का टाइम रहेगा। आप लोग डेली इस टाइम में प्रॉपर फ्री हो जाना और इस सेशन को डेली अटेंड करना। मैं आपको बोल रहा हूँ आप आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद आप डायरेक्ट सेलर नहीं, एक डायरेक्ट सेलर आर्मी बनकर निकलोगे। आपके पास हर तरीके के जवाब होंगे, हर तरीके की सक्सेस पाने की क्षमता होगी और बहुत कुछ सीख सके होगे आप 1 महीने के अंदर। और आज मैं इसी चीज को एंड करना चाहूंगा और एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि हम जो भी सेशंस को कर रहे हैं, जो भी जूम सेशन हम कर रहे हैं, उस सेशन के भागीदार बनो, पार्टिसिपेंट बनो और पूरी टीम को पार्टिसिपेंट बनाना है। हम एक पीपीटी सेशन डेली करते हैं, चाहे 2 बजे कर रहे हो या आपका रात में 9 बजे कर रहे हो, उसमें आप हिस्सेदारी करें। और कल रात 9 बजे मतलब एक दिन ट्रेनिंग हुआ करेगी, एक दिन सेशन हुआ करेगा, प्रेजेंटेशन सेशन, वो सब मैं आपको बता दूंगा। और एक कसम जो हम सब मिलकर खाते हैं, जो 44 लोग अभी यहां पर कनेक्ट हैं, वापस से मैं आपको वो कसम दे रहा हूं, अगर आपने मेरा साथ दिया, देखो आपके एक एक सपना पूरा हो जाएगा जिस चीज को सोच के आप इंडस्ट्री में आए हो। मैं आपको दावा वादा कर रहा हूं, जो भी सिखाने वाला इस इंडस्ट्री के अंदर होता है, जो आपको सीखना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी रोहित यादव लेता है। हर एक चीज आपको सिखाऊंगा। अगर मैं इस इंडस्ट्री से 22-23 साल की उम्र में करोड़पति बन सकता हूं, तो आप इतना सोच लो कि आप उससे पहले आपकी जो भी उम्र होगी 2 से 3 साल के अंदर इस सिस्टम से आप वो तो इतना तो कर जाओगे यार, एक अलग इंसान बन चुके होगे। पहली चीज, आपके टक्कर का आपके मोहल्ले में, आपके रिलेशन में कोई होगा ही नहीं। आपके सोचने के तरीके में, आपके बोलने के तरीके में, आपके सिस्टम से, आपका जो नजरिया होगा, लोग आपको अलग ही सल्यूट करेंगे। और तब तक कहते नहीं कि यार देखो पैसा तभी आपके पास बनेगा जब आपके पास स्किल्स होंगी। एक मेरा डायलॉग है जो डायलॉग मैं हर बार बोलता ही हूँ कि पैसा, कहते नहीं एक आपने 3 इडियट का डायलॉग सुना होगा, कामयाबी के पीछे भागने से कामयाबी नहीं आती, कामयाबी के पीछे भागने से कामयाबी नहीं आती, काबिल बनने के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आती है। मैं आपको बोलता हूं पैसे के पीछे केवल मत भागो, पैसा आपको नहीं मिलेगा, आप काबिल बनने के पीछे भागो। इस सिस्टम के अंदर पक्के खिलाड़ी बनने की कोशिश करो, इस सिस्टम के अंदर खिलाड़ी बनने की कोशिश करोगे, पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा। पैसे के पीछे भागने से पैसा 100 मीटर दूर भागता है। अगर आप काबिल बनने के पीछे भागोगे, इस सिस्टम को सीखने के पीछे भागोगे, इस सिस्टम पे काम करने की नियत होगी आपकी। मान लो आप मुझसे मिलने आए, आपकी नियत मेरे से सीखने की है, आप मुझे प्लान करने आए, मैंने 10 टाइप के आपको नेगेटिव क्वेश्चन कर दिए, लेकिन आपकी जो थिंकिंग थी वो सीखने की थिंकिंग थी, तो शायद आप तरक्की कर जाओगे। पैसा झक मार के आपके पीछे आएगा, हटा नहीं पाओगे, आप बहुत पैसा कमाओगे, सारे सपने पूरे करोगे, क्योंकि यहां से बहुत सारे लोगों ने करे हैं। और जो लड़का आपके सामने इतनी देर से बोल रहा है, उसने इसी इंडस्ट्री से सारे सपनों को पूरा किया है। आज चाहे लग्जरी लाइफ जीना हो, चाहे लाइफ स्टाइल हो, जो कुछ भी आप चाहते हो, शायद आप जो चीज चाहने के बारे में सोच रहे होगे, उस चीज को मैंने यहां से पाया यार। तो अगर एक एक पॉइंट को आपने ध्यान से समझा, दूरदृष्टि, आपके पूरे घर की जितने भी कष्ट हैं सब खत्म हो जाएंगे। आज हो सकता है मैं आपको बताऊं, एक भाई और आपको देके जाता हूं, आज सबके पापा होंगे घर में यार, हर एक इंसान के पापा होंगे और मेहनत कर ही रहे होंगे, यस और नो? आज हर एक इंसान के पापा मेहनत कर रहे होंगे। आपका रीजन हो सकता है कि पापा को 2-3 साल के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम कराऊंगा, पापा को काम करने के लिए नहीं भेजूंगा, यार बहुत मेहनत कर ली ना उन्होंने, तुम्हें अगर इतना बड़ा बना दिया है, क्या तुम 2 साल मेहनत नहीं कर सकते उनके लिए, इतना काम नहीं कर? भाई पापा कितना कमाते होंगे, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए? पापा को बोलो घर बैठो ये दे रहा हूं 60,000 रुपए पकड़ो। आप अपनी साल भर के अंदर इनकम 2-3 लाख रुपए नहीं पहुंचा सकते इस इंडस्ट्री से बहुत आराम से। पर डे का अगर 5,000-10,000 भी कमाना स्टार्ट कर दोगे ना, 5,000-10,000 की बात कर रहा हूं, तो महीने का कितना होता है जोड़ना आप बैठ के,
और आपको मौका है एक्टिव इनकम पर डे 20,000 करने का। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं हो रहे हो, एक दिन का डेली 20,000 रुपए जा रहा है आपका, डेली 20,000 रुपए। अब हो सकता है आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो या आपकी अपलाइन आपके ऊपर काम नहीं कर रही, वो दोनों लोग समझ लो। आपको कामयाब बनना है तो आपको इनिशिएटिव उठाना पड़ेगा। मुझे कामयाब बनना था, मैंने मेहनत किया, मेरी अपलाइन क्या कर रही मुझे नहीं पता, मुझे मेहनत करनी थी क्योंकि मुझे कामयाबी चाहिए थी, मैंने बहुत मेहनत किया यार, मुझे अपलाइन से मतलब नहीं था, मुझे अपने आप से मतलब था। अगर आपको कामयाब बनना है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपका डेली का 20,000 का नुकसान हो रहा है, आपको नहीं पता होगा, आपका पर डे 20,000 रुपए का चेक बन सकता है। यस और नो, जिसको नहीं पता अपनी अपलाइन से पूछेगा कैसे 20,000 बन जाएगा। 20,000 का चेक डेली आपका डिले हो रहा है और आप सीरियस नहीं हो रहे। मैं आपको एक आज रीजन देके जाता हूं यार, अपने फादर को आप रिटायरमेंट कर सकते हो, आप जो जिंदगी में चाहते हो उसको पा सकते हो। पर डे का पे आउट 20,000 रुपए है, उसके लिए काम करना स्टार्ट करो। मैं करो तुरंत नहीं आएगा लेकिन आएगा जरूर, तुरंत नहीं आएगा लेकिन आएगा जरूर। अगर हमारा साथ, आपका साथ और आपके अपलाइन का साथ आपके साथ रहा तो गारंटेड सारी चीजें हो जाएंगी। बाकी आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगा क्योंकि एक घंटे का सेशन हो चुका है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो 43 लोग टिके, मतलब ये रियली ड्रीमर है यहाँ, हो सकता है कुछ लोग का नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हुआ होगा, ये रियली ड्रीमर है। इन 43 लोग के साथ हिंदुस्तान पे सबसे बड़ी टीम बनाएंगे हम, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि यही दौर है यार। जो लोग नए लोग अभी होते हैं, जो लोग अभी हमारे साथ नए कनेक्ट हैं, मेरा सपना 1,00,000 की टीम बनाना, बनेगा जरूर, कोई छोड़ देना लेकिन मेरे से कनेक्ट रहना। 1 साल के अंदर 1,00,000 की टीम दिखाऊंगा कम से कम। और अभी नहीं भरोसा अपने अपनी अपलाइन को कॉन्टेक्ट करना और इस विजन पे आज हम काम कर रहे हैं। अब इतना समझना, अगर 1,00,000 लोग की टीम बनी तो कितने कामयाब लोग निकलेंगे, कितने करोड़पति लोग निकलेंगे, कितने 10,00,000 कमाने वाले निकलेंगे, कितने 50,00,000 कमाने वाले निकलेंगे, कितने लोग के पास कार आएगी, कितने लोग के पास बाइक आएगी, बौछार हो चुकी होगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एक ही गूंज हो रही होगी। तो आज आप मिशन का पार्ट हो। बाकी थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, जितने लोग भी अब तक कनेक्ट रहे, सीखते रहो मेरे साथ और बहुत हेल्दी और बहुत बड़ी टीम क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं वापस से किसी सेशन के अंदर और आपको उसके बारे में पता चल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। थैंक यू सो मच, इसी तरीके से सारे लोग को कनेक्ट कराते रहो हर एक मीटिंग के अंदर, बहुत बड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच।